उन्न बिमल तो ट्वेंटी से बेगिन करते हैं बिस्मिलहमान रहीम आयत नंबर ट्वेंटी अब इसके अंदर पहला लफ्ज़ है और ये कॉम्बिनेशन है दो अल्फाज का इन्ना प्लस हम तो इन्ना यहाँ पर इन्ना का आ, ये हरफे नज्ब है हरफे नज्ब यानी एक्यूजेटिव पार्टिकल और इन्ना का तर्जुमा होगा बेशक इंडीड सर्टेनली वेरिली ठीक है अब बेशक ये जो इन्ना है इसको अः हरफे मुशब्बा बिल फेल भी कहा जाता है तो इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है हरफे नज इज ओके ठीक है इन्ना बेशक हम अब यहाँ जो हम है वो दूसरा वर्ड है हैम जो है इसका तर्जुमा होगा दे ऑल वो सब ये जो है हु ये जमीर मुतसिल है जमीर मुतसिल मुतसिल का मतलब होता है अटैच और जमीर का मतलब होता है प्रोनाउन तो जमीर मुतसिल यानी अटैच प्रोनाउन क्योंकि ये अटैच होकर लिखा जाता है इसको इसीलिए जमीर मुतसिल कहा जाता है और ये हम को पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं कभी कभी तो यहाँ पर हम का तर्जुमा होगा वो सब तो इन नुम यानी बेशक वो सब अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ कानू कानू यहाँ पर वर्ब है वर्ब यानी फेल है और फेल में भी फेले माजी है फेले माजी यानी पास्ट टेंस यानी जो माजी में काम हो चुका फेले माजी है इसके रूट लेटर्स हैं आ, कानू के काफ वाव नून कानू ठीक है इसका तर्जुमा होता है टू बी किसी काम का होना था है इस तरह से आ, काना के जो है ना तर्जुमे कभी है होगा कभी था होगा कभी होना होगा इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स यानी कि जैसी भी आयत होगी उसके मुताबिक हम तर्जुमा करेंगे अपने उर्दू में ठीक है अब यहाँ पर चूंकि है तो इसका तर्जुमा कभी कभी पास में होके भी तर्जुमा अलग होता है लेकिन अभी चूंकि ये पास टेंस में है तो इसका तर्जुमा था में होगा अब काना का तर्जुमा तो हो गया था लेकिन वॉट अबाउट वाहिफ भी है इसके अंदर एंड में तो वाहिफ हमेशा प्लूरल को इंडिकेट करता है ठीक है तो यहाँ पर काना मतलब था और वाव वाहिफ लग गया तो थे ठीक है ज्यादा लोगों की बात हो गई और प्लूरल अरबी जुबान में तीन या तीन से ज्यादा को कहा जाता है तो आपको ये भी पता चल गया यहाँ पर काना सिंगुलर है और इसी का प्लूरल है कानू ठीक है कानू क्योंकि वाव वाहिफ लग गया वाव वाहवलिफ लगने से वो काम ज्यादा लोगों के लिए हो जाता है प्लूरल के लिए हो जाता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए होता है अरबी जबान में दो को प्लूरल नहीं कहते हैं दो को डुअल कहते हैं और प्लूरल तीन या तीन से ज्यादा को कहते हैं तो कानू मतलब वो सब थे ठीक है इन वो कानू वो सब थे ला ला यहां पर हरफे नफी है यानी नेगेटिव पार्टिकल है नेगेटिव पार्टिकल यानी हरफे नफी और नफ़ी का मतलब होता है किसी चीज को मना करना रोकना डिनाई करना तो ला का तर्जुमा नॉट हो जाएगा नहीं हो जाएगा ठीक है ला यानी नहीं सम ला इला है ला ला कहते हैं ला यानी नहीं यरजूना यरजूना को अब हम अगर इसका रूट लेटर्स ले लें ले, तो रूट लेटर्स हैं ले यरजूना के रो जीम वाव रो जीम वाओ का मतलब होता है उम्मीद रखना टू होप उम्मीद रखना और यहाँ पर रूट लेटर्स हैं उम्मीद रखना रो जीम वाव एक रूट लेटर होता है रो जीम आइन उसका तर्जुमा होता है रुजू करना सिर्फ एक ही लेटर का फर्क है देखें रो जिम वाओ रो जिम आइन आइन अगर आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि इसके इसमें रुजू करना रुजू करना मतलब लौटना रिटर्न। जैसे हम कहते हैं इना जी के उसी की तरफ लौटना है ठीक है तो यहाँ पर लौटने का तर्जुमा रुझ में होगा और वाव वाला होगा तो इसका मतलब होगा उम्मीद तो यहाँ पर उम्मीद का रूट लेटर है अब हम अगर इसको ब्रेक करते हैं इस वर्ड को यजुना को तो बनता है या फिर बीच में आ जाता है रूट लेटर रॉ जीम वाओ और ऊना ये जो ऊना का है ये वाव ऊना का है यहां पर जो वाव है ये यहाँ पर गायब हो चुका है अभी हम बताते हैं वो क्यों गायब हो गया है रॉ जीम वाव वाव जो है हमजा वाव या इन तीनों में से अगर कोई भी एक लेटर आ जाएगा तो उसे उन लेटर्स को हम कहते हैं हरफे इल्लत हरफे इल्लत यानी इल्लत 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 यानी बीमार, कमजोर, weak. और illat, आ, illat, weak vowels. अब ये जो होते हैं ना हमजा वाओ या इनका क्या काम होता है ये एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते हैं कभी अलिफ की जगह वाओ आ जाएगा वाओ की जगह अलिफ आ जाएगा कभी या की जगह हमजा आ जाएगा ये ये हमजा है नॉट वाओ आ, अलिफ अलिफ हमेशा खाली होता है हमजा पे हमेशा साइन होती है तो यहाँ पर हमजा वाव या तीनों हरफ इल्लत है और इनका क्या होता है कि ये एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते हैं और कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं तो यहाँ पर देखें रो जीम वाव में से ये वाव गायब है अगर आप देखें यहाँ पर दो वाव नहीं है सिर्फ एक वाव है ऊना का वाव है वाव ये वाला रुजू वाला वाव रिम वाव वाला रुजू का वाव नहीं है क्योंकि ये हरफे इल्लत है तो ये जा जा भी सकता है आ भी सकता है जगह भी बदल सकता है अब हम यू अगर इसको तर्जुमा करें या यानी यतान का या है या से पता चलता है ये फेले मुजारे है यानी मुजारे इम परफेक्टेंस इम परफेक्टेंस यानी जो हाल और मुस्तकबिल प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है इसीलिए हम इसको इम्परफेक्टेंस कहते हैं अब ये जो है या इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इम्परफेक्टेंस है और ये यतान का या है ना व्हाट इज ता का मतलब होगा मैं और नून का मतलब होगा हम ठीक है तो यतान में से अगर हमारे पास या आ गया तर्जुमा तो यहाँ पर हम तर्जुमा ये सारे गायब कर देते हैं हमारे पास रह गया तर्जुमा वो यतान शॉर्ट फॉर्म है मुजारे की पहचान का या था अलिफ नून यानी या वो था यानी तुम अलिफ यानी मैं और नून यानी हम ठीक है अब यहाँ पर हमने चूंकि तर्जुमा देख ला, देखा है कि या से शुरू हो रहा है तो या का तर्जुमा हो गया वो अब हम आते लास्ट पार्ट की तरफ वाओ जो है ऊना जो है ऊना हमेशा इंडिकेट करता है प्लूरल को प्लूरल यानि जमा को और आप देख रहे हैं अभी हमने इससे पहले भी एक वर्ड देखा वाओअअलिफ कानू में वाओअलिफ देखा ये भी जमा को इंडिकेट करता है और ऊना जो है वो भी इंडिकेट करता है फ्लूरल को एक कानू जो था तो पास टेंस था और ये ऊना जो है प्रेजेंट टेंस है यानी के इम्परफेक्ट है तो कानून ऊना जो है वाव वाहिफ जो है ये दोनों किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं फ्लूरल को तो हम तर्जुमा कर देते हैं सब यानी कि ज्यादा लोगों की बात हो रही है तीन या तीन से ज्यादा की तो अब यहाँ पर या हो गया वो ऊना मतलब हो गया सब और तर्जुमा का सिक्वेंस यही रखेंगे आप पहले आप इसका तर्जुमा करेंगे वो फिर दूसरा आप इसका तर्जुमा करेंगे सब वो सब और लास्ट में आप रूट लेटर का तर्जुमा करेंगे रुजू करना उम्मीद रखना ठीक है उम्मीद वो सब उम्मीद रखते हैं और ला से शुरू हो रहा चुके ला या तो वो सब उम्मीद नहीं रखते वो सब उम्मीद नहीं रखते तो या वो वा सब रुझू उम्मीद ला नहीं रखते वो सब उम्मीद नहीं रखते थे किस पर नहीं रखते हिसाबन हसीन बा हिसाबन इसके रूट हिसाब, हिसाब और ये जो हिसाबन है ये चूंकि फतेह तैन पर एंड हो रहा है दो जबर पर एंड हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए इसम होना चाहिए और इसमें भी एक हमने आपको पहचान बताई दो फथा पर दो जब भी जबर पर एंड होगा तो उसे हम कहते हैं इसमें मंसूब मनसूब मैं, मतलब नस्ब हालत में फथा की जो हालत होती है उसको नजबी हालत कहा जाता है इसीलिए हम इसको इसमें मंसूब कह रहे हैं इसमें मंसूब यानी इसमें मंसूब यानी एक्यूजेटिव पार्टिकल एक्यूजेटिव

उम्मीद नहीं वो सब उम्मीद रखते थे हिसाबन हिसाब की बेशक वो थे नहीं वो सब उम्मीद रखते हिसाब की तो अब हम सीधा तर्जुमा करते हैं बेशक वो सब नहीं वो सब उम्मीद रखते थे हिसाब की अब हम नेक्स्ट आयत की तरफ आते हैं व जबू व यहाँ पर हरफ आतफ है वाओ अलग है ठीक है वाओ अलग है वाओ यानी हरफ आतफ आतफ यानी अलवावल आतिफा भी इसे कहा जाता है कंजंक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में कंजंक्शन मतलब दो दो चीजों को दो लफ्जों को जोड़ने वाला वाओ का तर्जुमा यहाँ पर होगा एंड एंड या और ये तर्जुमा होगा अब वाव हो गया हमारे पास द नेक्स्ट वर्ड इज कजू कजु फ्रॉम द रूट लेटर्स काफ़, काफाल बा इसी तरह आगे एक वर्ड आ रहा है उसका भी रूट लेटर काफ़, है का भी काफ़, काफाल बा का मतलब होता है टू डिनाई टू लाए झूठ बोलना डिनाई uh, uh, कर देना झूठ बोलना तो यहाँ पर झूठ का तर्जुमा हो रहा है कसदबा का मतलब झूठ वाओ वो कसदबा झूठ वाओअ अलिफ अब द लास्ट पार्ट इज वाओ अलिप जैसे अभी हमने कानू देखा था सेम उसी पैटर्न पर है कसदबू कसदबू भी वाव अलिफ़ पर एंड हो रहा है तो क्या मतलब होगा ये प्लूरल है यानी जमा है तो यहाँ पर तर्जुमा भी हम सब का कर देंगे ताकि आसानी से समझ आ जा जाए प्लूरल है तो कसदबू उन सब ने झुठलाया अब झुटलाया का तर्जुमा क्यों कर रहे हैं बिकॉज इट इज पास यानी फेलेमाज फेलेमाज ही है ये तो इसका मतलब ये पास टेंस है तो इसीलिए हम तर्जुमा पास में कर रहे हैं और वाओ और वावलिफ उन कदबू झुटलाया बी आयाती ना अब हमारे पास ये जो एक वर्ड दिखाई दे रहा है ये तीन है एक्चुअली में देखा जाए तो बी प्लस आयात प्लस ना तीन अल्फाज हैं अलग अलग सबसे पहले हम बी ले, ले लेते हैं बी यहाँ पर हरफे जर है हरफे जर यानी प्रपोजिशन अच्छा बी के तर्जुमे है ना बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं हर आयत में अलग अलग तर्जुमा होता है जैसी भी आयत होगी उसके हिसाब से हम उर्दू में वैसे ही तर्जुमा करेंगे यहाँ पर बी का तर्जुमा होगा को को ठीक है को का तर्जुमा होगा तो बी हो गया हमारा हर फिजर नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड आयात आयात इज द प्लूल हो प्लूरल ऑफ आयत आयत यानी एक निशानी एक आयत और आयात यानी बहुत सारी निशानियाँ बहुत सारी आयतें अच्छा इसको ऐसे फथा लगा के स्टैंडिंग फथा कर लगा के भी आयात लिख सकते हैं यहाँ पर अलिप लगा के हमने लिख दिया है एक ही बात है आयत यानी एक आयत और इसी की जमा है आयात यानी आयतें अब इसके जो रूट लेटर्स हैं वो है हमजा या या आया आया का मतलब होता है देखिए एक आयत तो ये होती है जो कुरानिक आयात है हमारे पास जो वर्सेस हैं उनको कहा जाता है और एक आयत होती है साइंस जो जैसे आयत शरैया आयत कौनिया दो चीजें होती हैं आयत यानी ये जो है हमारे पास जो कुरानिक आयात है उनको आयत शर्ैया कहा जाता है आयत कौनिया यानी कि जो हमारे पास नेचर में साइंस है आफाक वनफस में नेचर में जो कुछ हमें दिखता है वो भी अल्लाह रबुल्जत की पहचान करवाती है अल्लाह की मारिफत दिलाती हैं तो इसको भी साइन कहा जाएगा आयात कहा जाएगा तो उन सब ने जुटलाया और सदू उन सब ने जुटलाया भी आयात आयतों को आयतों को किसकी किसकी आयतों को तो आखिर में आ रहा है ना ना का मतलब होगा वी अस ठीक है वी हम हम का तर्जुमा होगा और ये ना जो है लाइक हम हम अभी हमने देखा था जमीर क्या है मुतसिल तो उसी तरह से ये भी है जमीरे यानी अटैच प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन है जमीरे मुतसिल है तो ना का तर्जुमा होगा हमारी आर ठीक है तो ये ना हमेशा हम के तर्जुमे में जाएगा यानी प्लूरल के तर्जुमे में जाएगा यानी जमा है ना हमारी तो अब हम तीनों को मिला दें बी और आयात और ना बी आयात और ना तीन वर्ड है ना तो हमारी आयतों को इस तरह से हम तरजुमा करेंगे हमारी आयतों को उन सब विद दो फथा, दो यानी ये इसम होगा और इसमें मनसूब होगा राइट right? इसमें मनसूब क्यों होगा दो फता है तो जहां पर भी दो फता आ जाते हैं हम उनको इसमें मनसूब कहते हैं और यानी लेकिन इस इसम का और भी एक नाम है कौन सा नाम है क्योंकि ये इसम है ये तो हमें कंफर्म हो झुठलाना का? तो झुठलाना एक काम है ना लेकिन ये काम भी नहीं है क्योंकि ये इसम को बता रहा है ये वर्ब तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इसम की इंडिकेशन आ गई यहाँ पर दो फता दो जबर तो दो जबर दो जेर दो पेश तनमीन जो होता है हमेशा इसम को इंडिकेट करता है तो काम भी हो रहा है और इसम भी है तो ये कैसे हो सकता है तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं वर्बल नाउ वर्बल नाउ किसद यानी झुटलाना झुटलाना यहाँ पर जमाना नहीं पता चल रहा झुटलाना जब कहा जाता है तो इसमें झुटलाना है में जमाना नहीं पता चलता लेकिन कसदबू में झुटलाना उन्होंने झुटलाया यहाँ पर जमाना वक्त पता चला है कि पास टेंस में हुआ काम लेकिन अगर आपको कोई कहे झुटलाना टू डिनाई तो इसमें वक्त नहीं पता चलता तो जब जहां पर भी वक्त आपको पता ना चले आप उसको वर्ब नहीं हुँ. कह सकते आप उसको फेल नहीं कह सकते आपको उसको इसम ही कहना पड़ेगा और इसम की सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर तनमीन है दो जबर है ठीक है तो यहाँ पर चूंकि ये इसम है और काम भी इसमें है मौजूद झुठलाने का काम तो इसे हम कह देते हैं वर्बल यानी वर्बल नाउन है तो नाउन लेकिन वर्ब के फॉर्म फॉर्मे है ठीक है तो यहाँ पर वर्बल नाउन इसको हम दोनों दोनों की बंटवारा कर लेते हैं कि ना तुम्हारा ना हमारा वर्बल नाउन तो इसको अरबी जबान में कहा जाता है इसमें मसदर अब इसके तर्जुमे में नहीं जाना इसमें मजदर वर्बल नाउन को कहा जाता है दैट्स ऑल अगर आप इंग्लिश में समझ गए तो इट्स ओके okay. नहीं समझे तो बस नाम याद रख लें मसदर कहा जाता है इसको मीम स्वाद दाल रॉ मसदर इसमें मजदर यानी जिसके अंदर काम हो लेकिन वो हो इसम तो इसे इसमें मजदर कहा जाता है तो झुटलाना इसका तर्जुमा होगा झुटलाना और इसका भी रूट लेटर क्या है का, आ, का, कज़बू। Now, पूरी आयत का तर्जुमा कैसे होगा व और कजबू उन सब ने झुटलाया बी आयातना हमारी आयतों को उल्टा तर्जुमा हमारी आयतों को किस बहुत झुटलाना बहुत झुटलाना यानी के okay, विध और ये और एक बात याद रखें जब इस तरह से दो अल्फाज एक ही पैटर्न पर आ रहे होते मतलब एक ही काम के साथ आ रहे होते रिपीटेडली कस्बू आ रहा है फिर किसा बना आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर जब इस तरह से आएगा के वर्ब है प्लस उसके साथ एक नाउन है और मतलब दोनों सेम ही चीजों से सेम ही रूट लेटर से अखज हो रहे हैं तो फिर उसके अंदर उस काम की शिद्दत होगी यानी वो चीज जो है बहुत ज्यादा होगी विद एम्फेसिस तो यहाँ पर किज़ाबन, इन दोनों को मिला के हम सिंपल यूं भी तर्जुमा कर सकते हैं कि वक़ दबू किसाबन बहुत ज्यादा यानी छोटा मोटा नहीं बहुत झुटलाया बहुत ज्यादा झुठलाया हमारी आयतों को तो यहाँ पर दोनों को मिला के हम तर्जुमा कर देंगे उन सब ने बहुत ज्यादा झुटलाया या फिर आप सिंपल तर्जुमा कर करें अगर वर्ड टू वर्ड करें और उन सब ने जुटलाया हमारी आयतों को बहुत ठीक है अब हम दोनों आयतों का तर्जुमा मुकम्मल करते हैं बेशक वो कानू वो सब थे ला नहीं या वो वानू सब रज रजू उम्मीद रखते थे हिसाबन हिसाब की बेशक वो नहीं वो सब उम्मीद रखते थे हिसाब की वह और उन सब ने जुटलाया हमारी आयतों को भी आयाती हमारी आयतों को व और कसदा झुटलाया वावलिफ उन सबने और उन सब ने जुटलाया बी को आयात आयात ना हमारी हमारी आयतों को ज़ाबन बहुत झुटलाना बहुत जुटला कर बेशक वो और वो सब उन सब ने जुटलाया हमारी आयतों को बहुत झुटलाया अब दोनों आयतें एक साथ पढ़ते हैं बेशक वो सब थे बेशक वो सब नहीं वो सब उम्मीद रखते थे हिसाब की और उन सब ने झुठलाया हमारी आयतों को बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। पर नंबर ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट मुकम्मल हुई जजाकन का कसीरा। इंशाल्लाह आप सब लोग साथ, साथ करते रहे वारकल असल वरमी व